गुड इवनिंग एवरीबडी, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं और अगर साथ नहीं हैं तो बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। पहचानते हैं इस चेहरे को, मैं हूँ आप ही की अपनी सरिता सबरवाल और मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरा साथ देंगे। ओह माय गॉड, ऑलरेडी आपने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। ब्रिज गुप्ता इज़ द फर्स्ट वन, रीना रंगरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी सुनने वालों को बता दूं कि मेरी कोशिश है कि आज मैं सिंगर कंपोज़र वेरी टैलेंटेड जासिम शर्मा को ऑनलाइन लेकर आऊँ हूँ और उनसे बातचीत करूँ। उन्होंने वैसे तो बहुत सी गज़लें गाई हैं, बहुत से यहाँ पर लाइव शोज़ लंदन में भी किए हैं और आपने उनके शोज को हमेशा पसंद किया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक गीत खुद ने लिखा है, गुलजार साहब ने उस गीत को लिखा और उस गीत को इन्होंने कंपोज किया और मोर देन 50 आर्टिस्ट परफॉर्म्ड इन दिस सॉन्ग। और इसके अलावा नरेशन है वो अमिताभ बच्चन जी ने किया है। जासिम शर्मा को मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइन पर ला सकूं और उनसे बातचीत कर पाऊं और उनको उनसे पूछ पाएँ कि भाई आपने इस गीत को किस तरह से जन्म दिया, कैसे आपके माइंड में आया कि हमें इस गीत को सब तक पहुंचाना चाहिए। आज के हालात पर है ये गीत। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आजकल का आज का क्या दौर है, आजकल क्या चल रहा है। लॉकडाउन है एंड कोई अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कितने लोगों ने जान गंवा दी है, उनकी जानें चली गई, बीमार हैं और लोग जो हैं वो अपने कैमरे पर ही तो आप उनकी उनको देख पा रहे हैं। हेलो जासिम। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि इतने शॉर्ट टाइम में आपने मेरी बात को माना, मेरा मान रखा। ऑलवेज आपने तो जैसे जी का तो मुझे आज भी याद है, मुझे सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आया था जी, जब मेरा पहला कॉन्सर्ट था लंदन में, जब ज्योति ने जब वो किया था, तब भी नीता जी के साथ जब मैं आपके स्टूडियो में आया था तब आपने कितना प्यार दिया था, कितना आशीर्वाद दिया था, बहुत ब्लेसिंग्स आपने दी थी। आप हैं तो आई थिंक नहीं तो सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गिविंग सो मच लव, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। थैंक यू। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, एज एन आर्टिस्ट यू आर सुपर्ब, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, आपने फिल्मों में भी संगीत देना शुरू कर दिया है। आपकी पानवाला फिल्म आने वाली है, जल्दी हो जानी थी रिलीज, लेकिन कोरोना के वजह से अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। इन सब के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा जो लोग नहीं पहचानते हैं जासिम शर्मा को, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। गुलाम अली साहब को ये बहुत फॉलो भी करते रहे और बचपन से सुनते रहे और उनकी गायकी का असर इनकी गायकी पर भी है। सिर्फ गजल गायक ही नहीं, इन्होंने फिल्मों में भी गाया, डेडिश किया, मनमर्जियां जैसी फिल्मों में इन्होंने गीत गाए हैं और आज इस वक्त मेरे साथ हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। और वो बड़ा काम क्या किया है उसके बारे में जासिम, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत गीत गुलजार साहब से लिखवाया, उसे कंपोज किया और मोर देन 50 आर्टिस्ट को आपने एक ही गीत में गवाया है, विच इज वेरी बिग थिंग। मतलब 50 आर्टिस्ट को और वो भी लॉकडाउन के दौरान, उन्हें इकट्ठा करना, उनसे काम करवाना कितना मुश्किल, कितना नामुमकिन था जिसे आपने मुमकिन बनाया, इन सब के बारे में बातचीत करूंगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसके मन में आया? हाँ जी डेफिनेटली, और मैं एक चीज इसमें मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो गाना, ये जो लिखा है, ये सिद्धांत कौशल करके मेरे भाई हैं, ये उन्होंने लिखा है, ये गुलजार साहब ने नहीं लिखा है। तो बेसिकली इस गाने की जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे एक भाई हैं वरुण गुप्ता, वन डे ही कॉल्ड मी जस्ट ऐसे
रैंडमली उनका आया कॉल थे कि यार इतना नेगेटिविटी है सब जगह, ये लॉकडाउन हो गया, हम कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, सब लोग अपने घरों में हैं, तो क्यों ना एक गाना हम लोग बनाएं। तो डेफिनेटली ये ख्याल सबसे पहले वरुण भाई के मन में आया था। जी तो हमने सोचा हाँ यार चलो ठीक है, सब ऐसे भी फ्री बैठे हैं अब घर में, तो हाँ तो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने बोला तो किससे लिखवाएं, तो मैंने बोला हाँ मेरी भी एक दो दोस्त हैं तो देखते हैं। तो वैसे मतलब जैसे एक बात होती है कि एनर्जीज की बात होती है ना, जिस बंदे की एनर्जी उस गाने में आनी होती है, तो एक सिद्धांत करके हैं, सिद्धांत भाई को मतलब वरुण, ये आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हाँ जी किस चीज की? कैन यू हेयर मी? आई डोंट नो व्हाट इट्स हैपनिंग, एक मिनट, तो मेरी ही आवाज आ रही है मुझे? आपकी, अच्छा आपकी आवाज आपको वापिस आ रही नहीं होगी। नहीं नहीं आई थिंक कोई देख रहा है, आई थिंक हाँ बहुत से लोग देख रहे हैं, ऑन देख ऑन रहे ऑनलाइन देख रहे हैं। गेट गेट। राजा काशी वो भी देख रहे हैं इस वक्त और कह रहे हैं हेलो, कहिए जैसिम को भी। राजा काशी इज वॉचिंग, कृष्णा कालरा इंडिया में ही वॉच कर रही है, ब्रिज वॉच कर रहे हैं, बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं। कैन यू हेयर मी जैसिम? ऑन ऑन ऑनलाइन देख रहे हैं। राजा काशी वो भी देख रहे हैं इस वक्त और कह रहे हैं हेलो, कहिए जैसिम को भी। राजा काशी इज वॉचिंग, कृष्णा कालरा इंडिया में ही वॉच कर रही है, ब्रिज वॉच कर रहे हैं, बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं। कैन यू हेयर मी जैसिम? ऑन ऑन ऑनलाइन देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं इस वक्त और कह रहे हैं हेलो, कहिए जैसिम को भी। राजा काशी, कैन यू हेयर मी? राइट, थोड़ी सी मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ हुई है और जैसिम लाइन पर अभी नहीं है, पर ही विल ट्राई अगेन। जैसिम को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज दोबारा से आइएगा। तो मैं गुलजार साहब इसलिए मेरे दिमाग में आएगा क्योंकि गीत के बोल शुरू होते हैं गुजर जाएगा, तो आई डोंट नो व्हाई आई हैड गुलजार साहब इन माय माइंड। तो गीत बहुत प्यारा है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। मैंने कल ही पोस्ट किया था अपनी फेसबुक पर और मैंने चाहा था कि आप सभी सुन लें इस गीत को ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि गीत क्या है। एंड उसमें नरेशन जो दी है वो अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसे नरेट किया है। एंड राजा काशी भी लिख रहे हैं इस वक्त, जैसिम भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसिम आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्राई टू कम बैक। जैसिम वॉन्ट्स टू बी ऑन योर वीडियो, यस। एंड जैसिम को हम लेना चाह रहे हैं इस वक्त अप्रूव, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, होपफुली आई बी यस। जैसिम इज हियर, हाँ जी आर यू ओके हाँ जी यस यस नाउ? नाउ इट्स ओके। हाँ जी, ओके, तो ये बेसिकली इस गाने की हम बात कर रहे थे, तो वरुण भाई का आया कॉल मुझे, तो क्यों ना एक गाना बनाए हम सब लोग लॉकडाउन में। तो देन ही अप्रोच्ड सिद्धांत, तो जब सिद्धांत और मैंने, जैसे अभी हमारी बात हो रही है ना, ऐसे ही हमने वर्चुअली इस गाने को बनाया। तो ये भी एक लिरिसिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने कंपोजिशन के ऊपर उन्होंने इसको लिखा, सो विच इज डेफिनेटली ए डिफिकल्ट थिंग टू डू। जी तो जब ऐसे जब गाना बना, पहले हमने सोचा, पहले हमने बिल्कुल ऐसे ही सोचा था कि इसको मैं गाऊंगा और एक इसका प्यारा सा लिरिकल वीडियो हम बना देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना तीन चार जो सिंगर्स हैं हम उनको साथ में ले लें। तीन से बात चली, पाँच तक पहुँची, 10 आगे, 20 आगे, 30 आगे, 40 आगे, तो 50 हो गए आते आते। रियली गुड, सो इट्स रियली ब्लेसिंग, एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन सभी सिंगर्स हैं, सोनू जी हैं, श्रेया जी हैं, शान जी, जितने भी, कैलाश खेर जी, ऑफ दोस जसपिंदर जी, 50। जावेद अली जी, हाँ मतलब जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट थे और जितने भी मेरे कलीग्स थे, तो ये बड़े बड़े ही मतलब प्यार से, और उन्होंने बड़े आशीर्वाद के साथ उन्होंने सबने अपनी आवाज़ें दी। और ये बहुत एक चीज़ बड़ी नई थी मेरे लिए, क्योंकि सबकी आवाज़ें जो तकरीबन जो आप इस गाने में मेजोरिटी जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, तो वो सबने मोबाइल पे रिकॉर्ड की हुई हैं, तो ये कि एक, अपना अपना बिट रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाए हो, फिर हाँ आपने हाँ जी अरे तो उनको मैंने, हाँ जी तो उनको मैंने बताया कि सबको क्या क्या गाना है।
तो उनका उनको उनका उनका पार्ट बता बता के तो सब उन्होंने भेजा। तो शिशिर भाई हैं जिन्होंने इसकी मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, तो आफ्ताब भाई जिन्होंने जिन्होंने ये मिक्स किया है। जी जी तो डेफिनेटली दिस इज़ अ टीम एफर्ट। और जय भाई हैं जिन्होंने वरुण भाई के साथ मिलके ये आइडिया क्यूरेट किया, और जो वीडियो है वो उन्होंने बनाई है, और जो बच्चन साहब का जो नरेशन है वो भी उन्होंने उनका लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों की अच्छी एनर्जी थी, बहुत सारे लोगों की मेहनत है इस पे। तो मैं खास तौर पे उन सब सिंगर्स का, उन सब सेलेब्स का, जिन जिनको भी हम लोगों ने अप्रोच किया, उन सब ने बहुत ही प्यार से एक सपोर्ट की तरह सब लोग आए, और बिल्कुल उन्होंने सब ने इस गाने में अपना एक पार्ट अदा किया, सब ने अपनी एक रोल अदा किया इस गाने में हम सबके लिए। तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और विनय भाई हैं जो कि कनाडा से हैं, सो ही ऑल्सो सपोर्टेड। तो मतलब बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी एनर्जी थी इस गाने में, ता जो ये गाना इतना खूबसूरत बना और आप सब लोगों ने इसको इतना प्यार दिया। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग जिसमें एक ही लैंग्वेज में 50 सिंगर्स ने गाया है, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग यार। एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या सभी सिंगर्स ने पूरा पूरा गीत गाया था या आपने डिसाइड किया था कि कौन कौन सी लाइन गाएगा? हाँ जी डेफिनेटली, वो सभी सिंगर से पूरा पूरा तो हमने नहीं किया था, वो हमने कोशिश किया था कि हम उनको उतनी उतना ही दे जितना जितना उन्होंने गाना है। तो हाँ, तो लेकिन पहले पहले जैसे हम लास्ट हम रुक गए थे कि 30 सिंगर्स हम रखेंगे, लेकिन 30 के बाद जब 40 आए, फिर जब 50 आए, फिर उनका भी जो जो गवाया था हमें उनका भी फिर शॉर्ट करना पड़ा कई बार हमने। तो वो मतलब चीज़ें एज ए सिंगर तो आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें थोड़ा सा सिंगर को बुरा लग सकती हैं, लेकिन वो क्या था, लेकिन यही उन सब की ग्रेटनेस थी कि सबने बिल्कुल भी एज ए सपोर्ट की तरह इस चीज़ को लिया, कॉज में साथ देने के लिए सब लोग आए थे। और बिल्कुल सबने, बिल्कुल किसी ने जैसे ही गाना लॉन्च हुआ सबने मुझे फ़ोन करके बधाई दी, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो उन सबका फिर से शुक्रिया। तो ये कितना डिफिकल्ट था कि इतने सारे आर्टिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर चुनना कि किसने कौन सी लाइन बहुत अच्छी गाई है। हाँ, ये सीरियसली दैट वाज रियली अ टास्क, क्योंकि वो मतलब मैं वो चीज़ बहुत ही ध्यान से करना चाहता था, तो इसलिए वो वाली चीज़ मैंने स्पेशली अपने पास ही रखी थी। जिसकी भी आवाज़ आनी थी मैंने बोला भी मैं इस चीज़ पे किसी को भी मतलब मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये डेफिनेटली म्यूजिकली होना चाहिए था, और जो ब्लेंड बहुत अच्छा होना चाहिए सबका। तो लेकिन उस पे क्या हुआ, वो मैंने वो जो 1 हफ्ता 10 दिन मुझे पूरे उस चीज़ पे लगे, सबका जिस जिसका जो आया था 50 की 50 आवाज़ें मैंने अपने सिस्टम पे डाली, तो सबका सुना, सबको सुन सुन के किसका क्या रखना है कैसे करना, वो तो डेफिनेटली एक टास्क तो था ही। लेकिन आई एम हैप्पी कि जब सब बन गया तो सब बहुत अच्छे से बना, और सबकी आवाज़ें इतनी प्यारी लग रही हैं, सब एक होप जैसे गाने का, जो हमारा मेन एम था कि लोगों में नेगेटिविटी जो आई है उसको थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ हम लोगों को लेके आए, और वो डेफिनेटली जी, क्योंकि इन सब सारी आइकॉनिक आवाज़ें हैं, सब लेजेंडरी आवाज़ें हैं ज़्यादातर, तो वो जब एक होप, जब एक आस उम्मीद जगाते हैं, तो डेफिनेटली लोगों को उस चीज़ का असर भी होता है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो डेफिनेटली ये मिक्सिंग इंजीनियर के लिए भी एक डिफिकल्ट था, क्योंकि कुछ आवाज़ें तो व्हाट्सएप की थी, मतलब कुछ लोगों ने व्हाट्सएप की भेजी थी, तो उसको उन आवाज़ों के साथ मैच करना, जैसे सोनू जी हैं, या क्योंकि सोनू जी के पास सिस्टम है, जस्सी भाई हैं, इनके पास खुद का स्टूडियो है, लेकिन फिर भी वो एक मिक्सिंग इंजीनियर जो आफताब खान है हमारे, उनका भी उसके लिए एक बहुत बड़ा उनका थैंक्स है कि उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली उन सभी आवाज़ों को एक सा ट्रीट किया, कि वो ऐसे सुनाई ना दे कि वो कुछ अलग अलग हो रहा है, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप की आवाज़ें, आईफोन की आवाज़ें, सैमसंग की आवाज़ें, अलग अलग फ़ोन्स की आवाज़ें, किसी की रिकॉर्डिंग, किसी की प्रोफेशनल माइक की है, किसी की अलग, कैसे, तो वो सबको एक एक से ढांचे में बांधना, तो डेफिनेटली ये भी एक अपने आप में टास्क था। तो बट ये था, सब इतने पॉजिटिव थे, सब लोग एक कॉज के लिए काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा सबने साथ दिया। जैसे डू यू थिंक कि आफ्टर दिस सॉन्ग द ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज, कि अब ऐसे ही लोग घर बैठे ही कंपोज करेंगे, उन्हें आप अपनी लाइन दे देंगे, वो फोन पर ही रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे? नहीं, ये ट्रेंड ऐसे है कि ये ऐसा नहीं कि पहले भी ऐसे काफ़ी गाने हुए हैं, मतलब ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं कि अगर कई बार किसी
कई बार कोई सिंगर उनको वही वाला सिंगर चाहिए तो वो सिंगर अवेलेबल नहीं है, या वो सिंगर बाहर किसी टूर में है, तो वो लोग ऐसे फ़ोन पे, ये चीज़ पहले भी हुई है अच्छा लेकिन अभी तो, लेकिन अभी मजबूरी हो चुकी है, तो अभी अभी इस चीज़ पे आई थिंक ये वर्क फ्रॉम होम वाला ये जो कल्चर है जो अभी तक अमेरिका में ही है ज़्यादा, तो अभी आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ही ये शुरू होगा बहुत जल्दी और बहुत बड़े तरीके से इस पे काम होगा अब, क्योंकि अब सबकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अब घर से निकल नहीं सकते, तो जो भी क्रिएटिव लोग हैं तो उनको काम तो करना ही है, बिल्कुल तो जैसे आप हैं तो आप अभी घर पे अब सब कुछ कर रहे हैं, इतना जो लाइव भी हो रहा है तो ये भी एक तरह का उसी का ही एक हिस्सा है, तो डेफिनेटली, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली एक नई चीज़ आई है, जी, तो धीरे धीरे हो करके इसकी आदत भी हो जाएगी। जैसे बहुत से लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, आपको हेलो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गाना सुनना ओके भी चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग इन योर वॉइस? डेफिनेटली डेफिनेटली वेट, मैं ये ऑल द वे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं, मैं वैसे बता रही थी सभी अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कि आप मुंबई में हैं और डेफिनेटली गीत के बारे में जो आपने कोरोना पर लिखा है, बहुत आपने नहीं लिखा है, आपने कंपोज किया है, और सिद्धांत 50 से ज्यादा आर्टिस्ट इस गीत में शामिल है, और उसका लिंक मैंने अपनी फेसबुक पर भी दिया है, आप पूरा का पूरा 7 मिनट का गाना सुन सकते हैं। जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिन कहे कभी ना कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, परखरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ, बिन कहे कभी ना कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, परखरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ, उधड़ा जो पड़ा साहस ये सिल जाएगा, देखते ही देखते राख से तू खिल पाएगा, गुजर जाएगा बंदे आए समा, गुजर जाएगा बेबसी का मकान, बहुत खूब। और जैसे ही ये खत्म होते हैं, स्थाई खत्म होती है, तो उसके बाद नरेशन आती है अमिताभ बच्चन जी की आवाज में, हाँ जी बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान पड़े हैं। तो वीरान आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज मुझे, आई कांट डू इट द वे बिग बी हैज डन इट, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। मैंने लिंक पोस्ट किया है फेसबुक पर, और आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। और कौन से सोर्स हैं जैसिम, जहां वो देख सकते हैं गाने को सुन? डेफिनेटली, तो बेसिकली ये गाना सभी जितने भी सोशल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आईट्यून्स, गाना, जियो सावन, जितने भी एप्स हैं, तो ये सभी जगह अवेलेबल है, और यूट्यूब म्यूज़िक पे जहाँ जहाँ भी एक गाना होना चाहिए तो उन सभी जगह ये गाना है, तो गुजर जाएगा के नाम से, तो ये गाना सभी जगह अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप सब लोग इस पे सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए, क्योंकि ये जो हमारा एफर्ट है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी और भी अच्छा लगेगा। जी जैसे मैं एक बात बताइए कि गाना रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने कहा सबने अपना अपना बीट रिकॉर्ड करके भेज दिया, वीडियो, हाँ हाँ जी इसका वीडियो भी बनाया आपने, और वीडियो भी उतना ही खूबसूरत है, और कौन कौन से आर्टिस्ट वीडियो में है? सिर्फ सिंगर्स ही हैं या उनके साथ कुछ एक्टर्स भी हैं?
नहीं, इसमें हमने बेसिकली जो वीडियो जो इसका बना है वो जय भाई हैं, जो जय वर्मा जी ने इसका वीडियो बनाया है। तो उसमें कोशिश थी कि जो अलग अलग फील्ड के लोग हों, जो चाहे मतलब स्पोर्ट्स से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो जैसे कि दीपा मलिक जी हैं, हरभजन सिंह जी हैं, जी युवराज सिंह जी हैं, तो मतलब सानिया मिर्ज़ा हैं, सोनू सूद है, रवीना जी, जूही जी, मतलब बहुत बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं। हमारे कपिल शर्मा भाई हैं इसमें, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पे साथ दिया, क्योंकि सब लोग बेसिकली क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी जिसने भी ये सुना तो सबको, तो सबने एक ब्लेसिंग्स के रूप में सब लोग ने बोला कि तो हम भी इसका हिस्सा बनते हैं, तो जैसे भी आपको लगे तो हम लोग इस गाने का पार्ट ज़रूर बनेंगे। तो ये वीडियो का जो क्रेडिट है वो जय वर्मा जी को जाता है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये कंसेप्ट सोचा कि इसको कैसे डालना है, कैसे डालना है। तो हम तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा कई बार लगता है, क्योंकि हम सब सिंगर्स को हम दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि जितने कि अगर 50 सिंगर्स इसमें हैं, लेकिन वो डेफिनेटली वो उनकी थी कॉल कैसे कैसे ये होगा, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने वीडियो बनाया है। और आसिफ शेख जी और बीर सिंह जी जिन्होंने इसको एडिट किया है, तो मतलब वो ये बहुत सारे लोगों का माइंड होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, और सब लोगों का मकसद एक ही था कि पॉजिटिविटी हमने वो इस पे देनी है। तो सब सभी का एक बार मतलब सबने ही अपना अपना पार्ट बहुत ही बखूबी क्योंकि निभाया वीडियो है। में आपने जिस तरह से हरभजन मान को भी या सानिया मिर्जा भी है, सबने लिपसिंग भी किया है, तो बहुत हाँ जी, हाँ जी, खूबसूरत लग रहा है। तो उनको भी हाँ जी, गाना आपने भेजा, ट्यून भेजी, और उन्होंने भी हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ बहुत जी। बेसिकली वो जो लगा। सेलेब्स वाला जो है, तो जो सेलेब जो सेलिब्रिटीज वाला जो है वो, उस पर मैं डेफिनेटली ज़्यादा जो उसका क्रेडिट है वो मैं वरुण गुप्ता जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने जितने भी बड़े बड़े लोग इस पे फीचर हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ सबको अप्रोच किया। तो क्योंकि मैंने मैंने सिंगर्स को ही अप्रोच किया था, एक भी सेलेब को मैंने नहीं अप्रोच किया था, तो डेफिनेटली इस तो ये वाला क्रेडिट वरुण जी को जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम है, चाहे वो ओलंपिक वाले हैं, जो क्रिकेटर्स हैं काफ़ी, जो भी बड़े बड़े सानिया मिर्जा जी देख रहे हैं, कपिल भाई देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं इसमें, तो उन उसमें उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पूरा दिन रात, देर वर सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स ऑफ ऑल ऑफ अस, क्योंकि जिस जिस का जो जो काम जिसको दिया था। और इस पे दो नाम जिनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, तुषार नीलेश, जिन्होंने बहुत मतलब बैक हैंड पे बहुत सी चीज़ें उन्होंने संभाली क्रिएटिवली, और बहुत उनका सपोर्ट भी रहा। तो मेरी वाइफ तेजस्वी, क्योंकि मैं मतलब दिन रात हमारा एक था, क्योंकि कभी 3 बजे तक भी डिस्कशन हो रहा है, 5 बजे तक भी हो रहा है डिस्कशन, तो मतलब तो ये जो पूरा महीना, 1.5 महीने का ये जो प्रोसीजर था, तो उसने भी बड़ा मतलब शांति के साथ, पेशेंस के साथ उसने भी मेरा साथ दिया। तो तेजस तो बहुत सारे थैंक्स करना चाहेंगे कि आपको भी पेशेंस लुक आफ्टर किया और पेशेंस भी रखी बहुत ज्यादा। भी रखी है। हाँ जी, और इसी कोरोना पर ही जब शुरू ही हुआ, तो पहले जो फ्यू डेज थे, तो आई वाज थिंकिंग कि आई शुड राइट समथिंग। जैसे मैं कभी कभी आपको अपनी पोइट्री भेजती रहती, तो हम हाँ जी, हाँ जी, मैंने कुछ लिखा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको प्लीज सुनाना प्लीज प्लीज चाहूंगी, और अपने सभी मेरे साथी इरशाद। जो इस वक्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको भी पहुंचाना चाहूंगी कि कुछ दोस्त, कुछ दोस्तों के दोस्त, क्योंकि हम सारी दुनिया को नहीं जानते हैं, तो कुछ दोस्त, कुछ दोस्तों के दोस्त, कुछ हमसे कम उम्र, कुछ हमसे बड़े, कुछ चल बसे, वाह, कुछ हॉस्पिटल में पड़े, अपनों के दर्द में उनके दर्द को बांट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नो बडी इज अलाउड टू गो एंड सी देम, या कोई घर में बीमार हो जाता है तो इसे आइसोलेट कर दिया जाता है, तो आप देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते हैं किसी की, कोई गुजर भी जाते हैं तो आप फ्यूनरल तक में नहीं जा पा रहे हैं। फ्यूनरल ये तक नहीं जा हालात पा रहे। हुए, तो कुछ चल बसे, कुछ हॉस्पिटल में पड़े, अपनों के दर्द में उनके दर्द को बांट नहीं पा रहे हैं। और इसी हालात पर मैंने लिखा था कि समय है, समय बदल जाएगा, समय है, वाह, समय बदल जाएगा, देखना जल्द ही समर जाएगा, अच्छा नहीं रहा तो गम कैसा, बुरा है तो कल अच्छा आएगा, समय है, वाह, समय बदल जाएगा। बचपन में माँ ने सिखाया जो,
हमें हमेशा घर में सिखाया जाता था कि हाथ धोया करो बार बार, किसी भी चीज को हाथ लगाने है तो खाने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले अपने हाथ जरूर धो लो। तो वो बचपन में माँ ने जो सिखाया जो आज बहुत काम आ रहा है, यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति जिसे क्या याद बात है, कराया जा रहा है। समय याद है, कराया जा रहा, समय वाह। बदल जाएगा। सबका स्वागत गले लगा या हाथ मिलाकर नहीं करें। हम हमेशा, नमस्ते हमारी संस्कृति कहती है हाथ जोड़ के, गले लगा नमस्ते। के नहीं। सबका स्वागत गले लगा या हाथ मिलाकर नहीं करें, हाथ जोड़कर नमन करके अतिथि भाव निभाया जा रहा है। समय है, समय वाह, बदल जाएगा। दरवाजे के बाहर जूते उतारना, दरवाजे के बाहर जूते उतारना, बार बार हाथों को धोना, दूजे का जूठा ना खाना व्यवहार में फिर से लाया जा रहा है। समय है, समय हाँ, बदल जाएगा। परिवार क्या बात, संगठन, जो एकता है हमारी, परिवार संगठन भूलते जा रहे थे, आज परिवार करीब आता जा रहा है। परिवार संगठन भूलते जा रहे थे, आज परिवार करीब होता जा रहा है। बच्चे हमसे, हम बच्चों से दूर हो गए थे, बच्चे हमसे, हम बच्चों से दूर हो गए थे, आज हमें उनकी और उनको हमारा फिक्र बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो बढ़ता आ जा रहा जा है। क्या बात है, मिल नहीं क्या बात है है, तो उनको हमारा फिक्र होता है, हमें उनका फिक्र है कि ठीक रहे, कैसे हैं। घर में बंधी बना, घर में बंधी बना इम्तिहान ले रहा है, किसको है किसको नहीं चुपके से आ रहा है। कैसा जानलेवा ये रोग फैलता ही जा रहा है, कैसा फैलता जानलेवा है ये रोग फैलता ही जा रहा है। सिर्फ ही जा रहा है। खौफ, दर्द और दहशत बढ़ाए जा रहा है, लेकिन फिर यही कहेंगे, समय है, समय बदल जाएगा। समय है, समय बदल जाएगा, देखना जल्द ही समझ जाएगा। अच्छा नहीं रहा तो गम कैसा, बुरा है तो कल अच्छा जरूर आएगा। एंड जरूर जैसे आएगा, मुझे उम्मीद क्या बात है, कि वाह, आपको भी पसंद आई, इसे भी आप कंप्लीट बहुत अच्छा कीजिएगा। ये बहुत अच्छा आपने लिखा है, सीरियसली बहुत ऐसी थोड़ी बहुत दिल की भावनाएं होती हैं जो ट्रू फीलिंग्स हैं, आ बिल्कुल। जाती हैं, और मैं थोड़ा बहुत लिख देती हूँ। एंड गुनीराज व्यास जी बराबर हमारे साथ हैं और लिख रहे हैं कि जैसिम की बहुत अच्छी लगी, एंड कॉम्पोजिशन इज वेरी गुड, इवन द वीडियो आई वॉच्ड दैट इज आल्सो वेरी गुड, और उन्हें मेरी कविता भी पसंद आई, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। कविता अमित बहुत खुश सुरानी हूँ। लिखा है, वाह वाह। सो सभी लिख रहे हैं कमेंट्स। प्रीति ने कहा है, प्रीति गुप्ता ने, कि जैसिम से कहें कुछ और भी सुनाए। सो प्लीज जैसिम, इफ यू डोंट। अच्छा प्रीति हमारी हाँ जी। तो, और आप बताएं, आप क्या सुनना चाहेंगे, तो हम तो जो भी, जो आपका मन है, अरे जो आपका फेवरेट है, मुझे तो आपके सभी के सभी गीत बेहद पसंद है, सभी पसंद है, तो आपका जो जी चाहे। आपने हुला अली साहब को भी ट्रिब्यूट दी, एंड जगजीत साहब, जगजीत जी को भी आपने ट्रिब्यूट दिया, उनके भी गीत गाए हैं अपने बहुत हाँ से। जी, आपके अमीर खुसरो वाला एक बंदिश थी आपकी, बहुत खूबसूरत थी, जिससे हाँ जी, रंग दे मोहे, रंग दे वाला, वो भी बहुत खूबसूरत था। हाँ देन साकी, इसके साथ अजीब शहर का मंजर है, बहुत सारी है। मतलब बहुत सारे। एक मैं गजल सुनाना आपको चाहूँगा, जो कि निदा फाजली साहब की जो ऑफिशियल जो लास्ट एल्बम थी, जिसका नाम था सुनो तुम, वो मुझे करने का मौका मिला था। हाँ जी, तो उसमें से एक गजल है। हाँ बहुत प्यारी। निदा फाजली साहब के आपने बहुत से गीत। जी, तो वो पूरी एक एल्बम है, जी, तो उस एल्बम में से एक गजल है, तो बहुत प्यारे उसके अल्फाज हैं। मैं जैसे मैं आपको बता दूं कि शुजात अली बहुत कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी इस वक्त अच्छा, बहुत कर रहे हाँ, हैं, एंड ये सेइंग हेलो। वेरी नाइस। हेलो हेलो भाई, छत थी दीवारों दर थे, कहीं कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, कहीं छत थी दीवारों
डर थे कहीं मिला मुझको घर का पता देर से दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे मगर जो दिया वो दिया देर से कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं हुआ ना कोई काम मामूल से गुजारे शब रोज कुछ इस तरह इस मिस्र में एक वर्ड है मामूल 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 एक वर्ड है जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड वे से हुआ ना कोई काम मामूल से गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह हुआ ना कोई काम मामूल से गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह कभी चांद चमका गलत वक्त पर कभी चांद चमका गलत वक्त पर कभी घर में सूरज उगा देर से कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं मिला मुझको घर का पता देर से दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे मगर जो दिया वो दिया देर से कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं बहुत अच्छे जैसिम जी ओ शमा हैं बहुत अच्छी सिंगर हैं यहाँ लंदन में शी इज वॉचिंग हाँ जी शमा जी को मैं डेफिनेटली मैं जानता हूँ तो शी इज अमेजिंग तन्वी तलवार दिल्ली में वॉच कर रही है क्या बात है क्या ये फेसबुक भी क्या चीज़ है सबको मिला देती है बहुत से साथी मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो मैं इंटरप्ट नहीं बार बार करना चाहती हूँ गुरप्रीत सिंह जी आवाज़ में शादाब सी मिठास ओके शहद सी मिठास है आपके आपकी आवाज में शहद सी मिठास है गुरप्रीत सिंह जी ने लिखा है तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया गुरप्रीत जी हाँ जी ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं दिल्ली से हैं तो बहुत ही म्यूजिक को प्यार करते हैं हाँ जी हाँ जी एक और बहुत प्यारा गीत था आपका तू शामिल है forgetting the lyrics, तू शामिल हाँ जी हाँ जी तू शामिल है अभी उसके वर्ड्स मुझे भी देखने पड़ेंगे जी जी कि उसको बहुत टाइम हो गया उसको गाए जैसिम याद गाए हुए सब कुछ की क्या क्या गाया कब भी थी नहीं सीरियसली मतलब कई कई बार मुझे भी लगता है कि मैंने इतना काम नहीं किया है लेकिन जब मैं गाने देखता हूँ अच्छा हाँ मैंने तो ये भी गाया है ये भी गाया ये भी गाया तो कितने गाने निकल आए हैं तो एक मेमोरी है एक बहुत ही जब मैं अपना म्यूजिकल जो जर्नी मेरी है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ विच प्रोफेशनली विच इज स्टार्टेड थ्रू सारे गामा पा हाँ जी 2012 में तो उसके बाद से कितना काम किया है कितनी मूवीज़ में भी गाया है और कितने एल्बम्स की हैं डेब्यू गज़ल एल्बम मेरी आई थी प्यार बेपना फिर सुनो तुम निदा फाजली साहब की और इसके अलावा सिंगल्स तो बहुत ही ज़्यादा निकाले हुए हैं तो मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं जिस हिसाब का काम करना चाहता हूँ जिस एक लेवल का काम जो मैं करना चाहता हूँ जिसमें अच्छी शायरी हो अच्छा म्यूज़िक अच्छा संगीत हो और अच्छा संगीत हो अच्छी धुनें हो मतलब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं इतना प्यार से मेरे गाने सुनते हैं आई एम रियली फील
सो लकी और सो ब्लेस्ड। सेम, बिकॉज यू आर वेरी हम्बल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ. आप सबको अपना बना लेते हैं. देखिए कितने थैंक हम यू थैंक सारे यू। मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. सुधा शर्मा जी, थैंक यू. वाह जैसेम, एंड स्टे हाँ सुधा ब्लेस्ड जी मैम, ऑलवेज. एंड ये सुपर सब अपने लोग हैं। भेजा बहुत से, मैं कुछ ऊपर जाते जा रही हूँ तो मैं नाम भूलती भी जा रही हूँ, पर बहुत हाँ सारे जी हाँ जी। मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. जैसिम, यू आर वेरी यंग. यू मतलब आपने एंटर किया 2012 में, जब सारेगामा पा हाँ जी के जरिए. हाँ इस जी दौर के जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं ज्यादा प्लेबैक सिंगिंग में, या उनका दूसरा दूसरी तरह के मतलब जैज म्यूजिक या फास्ट म्यूजिक पॉप सिंगिंग की तरफ ज्यादा ध्यान होता है. बट यू आर सोलली फॉर गजल, यू आर गजल हाँ जी लवर. हाँ जी और यंगस्टर्स में अगर आप गजल्स का दौर ला रहे हैं तो क्रेडिट जाता है आपको. तो व्हाई डिड यू चूज जस्ट गजल्स? डिड यू वांट टू नहीं, बी ये अ प्लेबैक सिंगर? क्योंकि प्लेबैक सिंगर्स के जरिए आवाज आपकी बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है और बहुत गीतों के जरिए पहुंचती है. नहीं वो तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मेरी जर्नी रही है ना मैम, जो मेरी संगीतिक जो म्यूजिकल जर्नी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है तो इस चीज़ का। क्योंकि मैंने जब मैं 5 साल का था, मैंने जब संगीत सीखना शुरू किया था मेरे गुरुजी से, श्री विजय सचदेवा जी से, बठिंडा से मैं हूँ बेसिकली, पंजाब से। तो और जब पहली दफ़ा गुलाम अली खान साहब को सुना तो गज़लों में इंटरेस्ट बना, फिर जब मेहदी हसन साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना, बेगम अख्तर साहिबा को सुना, तो मुझे लगा कि यही एक वो जॉनर है जो मुझे अपनाना है। मतलब कहने का मतलब, गज़ल जो इन लोगों ने ऐसा इस चीज़ को गाया है, गज़लों को, तो ये मेरी रूह को सीधा मेरे रूह तक ही आई। तो पोइट्री से प्यार हो गया इन सब, जब बड़ी बड़े लोगों लेजेंड्स की गज़लें सुनी, फिर जब बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, मीर मीर तकी मीर साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, तो और भी तो पोइट्री में इंटरेस्ट आया। तो गज़ल जो है वो बेसिकली तो एक पोइट्रिक फॉर्म है, जैसे कि आप जानते हैं, गज़ल कोई म्यूज़िक तो नहीं है, गज़ल तो एक फॉर्म है जो कि लिखी जाती है। तो इन लेजेंड्स ने इतना उसको ऐसा म्यूजिक दिया है, ऐसी कंपोजिशंस दी हैं, इस तरीके से इनको गाया है, तो इन्होंने गज़ल को एक अलग जॉनर बना दिया म्यूजिक का भी। तो ये एक बहुत बड़ा इन लोगों को श्रेय जाता है। जी तो ये है, तो बस, तो मेरा ये स्कूल जो मेरा रहा है, तो मतलब वो ये लोग रहे हैं, गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन साहब। जैसे तो एक बात और पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से, बठिंडा से है आप, है ना? सो हम जो इंडिया की रहने वाली हैं उनमें ग ज है ना, ये कुछ लफ्ज मुझे ना उर्दू के वो ठीक से वो मुझे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. तो क्या आपने उर्दू लैंग्वेज भी प्रॉपरली सीखी है? आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। फिर से वो चीज़ अच्छा, शुरू हो गई है, कैन यू हेयर मी? फिर से वो पीछे। कैन यू हेयर मी? मैं आपको सुन रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, वो ना जो अभी इसके पहले वाला जो सवाल था ना, हाँ वो मुझे फिर से सुनाई दे रहा हाँ है ओह सारे का सारा। तो जो मुझे मेरी भी आवाज़ आ रही है, जो मैंने आंसर आपको दिया है, ओह माय, आई डोंट नो व्हाई दिस अच्छा, लेट बैक, ये इट्स हैपनिंग. ऐसे क्यों आ रहा है। अच्छा, पर मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि क्या आपने उर्दू जुबान सीखी है प्रॉपरली, यू नो, लिखनी पढ़नी भी सीखी है, या यू जस्ट गजल्स में प्यार है इसीलिए उर्दू आपकी इतनी साफ है? हाँ जी हाँ जी, ऐसे ऐसे है। मुझे आपका सवाल आ गया है, लेकिन वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा आ रही है ना, वो वाली, आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग। डू यू वॉन्ट टू गो एंड कम बैक? फिर से मैं आपको करता हूँ। या हाँ जी, यस ऑल यस राइट ओके. सो इस वक्त मेरे साथ वैसे जैसिम शर्मा है. जैसिम शर्मा बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने बहुत यंग एज में बहुत नाम कमाया है. एंड सुधा शर्मा जी, आपका मैसेज मैं पढ़ती हूँ तब तक जब तक जैसिम नहीं आते दोबारा से. एक्चुअली आपने लिखा है, जैसिम इज माई फेवरेट सिंगर आफ्टर माई गुरु जगजीत सिंह जी. एंड गुनी राज व्यास जी, आपने लिखा है टू लाइन्स इन पंजाबी विच ही इफ यू कैन सिंग. एंड और भी बहुत से, कुमार हीरा जी देख रहे हैं प्रोग्राम. हाय कुमार जी, बहुत
बहुत थैंक्स कि आपने ज्वाइन किया है। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, हीरा ग्रुप के थे कुमार साहब। कुमार साहब ने वो गाना गाया था, दामी एंड कुमार साहब ने, मारछड़प्पा पिंड विच आ जा, वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था। इसके अलावा उनके बहुत सारे गाने हैं। प्रीत चिंद इज ऑल्सो वॉचिंग, थैंक यू डॉली कुमार, आप भी वॉच कर रही हैं, थैंक यू अमरजीत आपका भी। उषा मदन इज वॉचिंग, सुधा शर्मा थैंक यू आपका, रेणुका जुगरू एंड सादिया थैंक यू, गुरप्रीत सिंह जी, तन्वी तलवार, शमा आप भी देख रही हैं प्रोग्राम, एंड गुनीराज जी थैंक यू वंस अगेन, योगेश वोरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शशि जयसुंदरा थैंक्स अ लॉट, आपने लिखा है ओसम, जाजिम इज वेरी गुड, एंड क्या बात है गुनीराज, आपने लिखा है प्रतिमा, प्रीति भिंदा आपने लिखा है वेरी वेल रिटन, सो ब्यूटिफुल सरिता जी, वी ऑल वेटिंग फॉर हैप्पी डेज टू कम बैक, थैंक यू, और योगेश जी आपका एक और मैसेज, पापा जगजीत जी का कोई गाना सुनवा दें, सुजाता आपने भी लिखा है कि बहुत अच्छा, जैजिम इज बैक, सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट हिम वंस अगेन, एंड जैजिम इज विद मी नाउ, जैजिम आप हैं मेरे साथ? हेलो लाइट आवाज नहीं आ रही। बहुत से हमारे साथियों ने लिखा है जैसिम, अगर आप पंजाबी में सुना दें कुछ, जैसिम वी लॉस्ट हिम अगेन सो ही विल ट्राई टू कम बैक, तो जब तक वो नहीं आते हैं, तो आपने मेरी लिखी कविता को भी पसंद किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आजकल आप मुझे रेडियो पर नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं गुम हो गई हूँ, बहुत जल्द मैं आप ही के साथ हूँगी, और कहीं ना कहीं आपको मेरी आवाज जरूर सुनने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब सेफ हैं और घर में ही रहते हैं, ज्यादा जरूरी काम से बाहर जाना हो तभी जाते हैं, अदरवाइज यू स्टे एट होम। सो जैसिम को कुछ डिफिकल्टी हो रही है, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आज हम इस बातचीत को यहीं छोड़ते हैं। आने वाले दिनों में मैं जरूर ट्राई करूंगी एक बार फिर से जैसिम को लाना, और इसी तरह से मैं अपनी फेसबुक पर आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी कि मेरे अगले गेस्ट कौन होंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी ना किसी गेस्ट को आपके आपसे मिलाऊं और उनसे जो बातचीत हो आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस बातचीत को एंजॉय किया। अगर आपने अभी तक गुजर जाएगा नहीं सुना है, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर अगर आप सर्च करते हैं गुजर जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा गाना सुनने को मिलेगा। सेवन मिनट्स लॉन्ग है ये गाना, लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसमें निरेशन जो है वो अमित जी ने दी है, अमिताभ बच्चन जी ने, और 50 से ज्यादा सिंगर्स ने इसमें गीत गाए हैं। अगर आप चाहें तो मेरे पास लिस्ट है, मैं उन सिंगर्स के नाम ले सकती हूँ, अनूप जलोटा साहब, सोनू निगम, शान, श्रेया घोषाल, जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, हंसराज हंस, कैलाश खेर, जावेद अली, बाबुल सुप्रियो, एंड जीत गांगुली ने भी गाया है, मालिनी अवस्थी, जसबीर जस्सी, आरको मुखर्जी एंड मोनाली ठाकुर के अलावा शाशा त्रिपति, बहुत लंबी लिस्ट है, उस्मान मीर, शिल्पा राव, ज्योति नूरान, जो नूरान सिस्टर्स हैं उनमें, एंड ध्वनि भानुशाली ने भी एक लाइन गाई है, असीस कौर ने, एंड आकृति कक्कर, बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है। सो जरूर सुनिएगा, और फिर मुझे फेसबुक पर जो मैंने पोस्ट किया है उस पर अपने कमेंट भी जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये मुलाकात अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा मुझे कि मेरे साथ ये जो वक्त आपने गुजारा है कैसा गुजरा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। बाय बाय।